नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और कायदे से तो मुझे कल ऑनलाइन आ जाना चाहिए था, मतलब आपको वीडियो दे देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़रूरी काम होने के कारण मैं वीडियो नहीं ला पाई। तो और शायद मैं आज भी नहीं ला पाती, लेकिन बाहर बहुत बारिश है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश है। आपके शहरों में भी होगी अगर आप उत्तराखंड से कहीं बाहर के हैं, तो बारिश के कारण कहीं आ जा नहीं सकते और हमारा काम रुका हुआ है। तो मैं आज ही आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, और मैं मोनिका सिलोड़ी आपके लिए अपना इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत समय से मेरे से कुछ सवाल जवाब पूछ रहे थे। तो मैंने आपसे विनती करी हुई थी कि आपको इस वीडियो के दौरान, जो मैंने पिछली डाली हुई थी, कि इसमें मुझे सवाल पूछिए और मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो आ चुका है समय आपके सवालों के जवाब देने का। तो दोस्तों देखिए, आपने मुझे जितने भी सवाल पूछे थे उसमें से क्या है कि 15 से 20 सवाल तो सिर्फ वही हैं जो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और आप सबको आपके जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने मुझे जितने भी सवाल पूछे हुए थे उनमें से 15 से 20 सवाल ऐसे हैं जिसमें से मेरा नाम, मेरा पता और मेरे परिवार में कितने लोग हैं, और मेरा इंट्रोडक्शन ही आपके सवालों के जवाब हैं। तो मैं सबका नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके सवाल का जवाब क्या है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोनिका सिलोड़ी, मेरा पूरा नाम है, मेरी कास्ट है सिलोड़ी, और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रतुड़ा गांव की रहने वाली हूँ। बहुत बड़ा गांव हमारा है, बहुत बड़े क्षेत्र में, जहाँ का प्रसिद्ध मंदिर आपने सुना ही होगा कि चंडिका माता का मंदिर है। तो रतुड़ा गाँव की मैं रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी वर्तमान में ITBP में कार्यरत हैं, जो कि गौचर में रहते हैं। तो हम सब, हमारे पूरा परिवार, आपने जितने भी वीडियो देखी होंगी, तो हमारा पूरा परिवार वर्तमान में गौचर में रहता है, और वैसे हमारा गांव रतुड़ा है। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ना रतुड़ा और गौचर में, तो रतुड़ा मेरा गांव है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे रहते हैं गौचर में, क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पे स्कूल पढ़ता है और हम फिलहाल सिर्फ 1 साल ही यहाँ पर हैं, उसके बाद शायद हम गांव में रहेंगे। और मेरे परिवार में मेरी बहन है, मतलब हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन की शादी हो रखी है, दूसरी है मेरी बहन जिसने आपको, आपने जिसको मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, तीसरी हूँ मैं, और एक मेरा छोटा भाई है। और पापा ITBP में है यहीं गौचर में, और मेरी माँ घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है। इसके अलावा मैंने 2015 में अपना 12 पास आउट किया था। किसी का सवाल था कि मैंने 12 पास कब किया, 2015 में 15-16 में मैंने 12 पास किया वहीं रतुड़ा GIS इंटर कॉलेज से। और उसके बाद मैंने BA करा 2018 में कम्प्लीट हो, और वर्तमान में आप जैसे ही जानते हैं कि मैं BED करती हूँ अगस्त मुनि से। पढ़ाई लिखाई तो चली रही होगी, लेकिन इसके अलावा मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उपलब्धियां हैं, और कुछ पर मैं काम कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि उपलब्धि तो कुछ है नहीं, लेकिन मैंने अपनी पारिवारिक प्रतिबद्धताओं को या फिर कर्तव्यों को बखूबी निभाया है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी वर्तमान में उपलब्धि है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके सवालों पर। इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ अपना, और उसमें से काफ़ी लोगों के जवाब आपको मिल चुके होंगे कि जितने भी सवाल आपने पूछे वो इसी मेरे इंट्रोडक्शन के दौरान, आपको मेरे परिचय के जितने भी सवाल आपने पूछे आपको मेरे परिचय के द्वारा मिल चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आपके सवालों की ओर। दोस्तों क्या होता है कि जो भी लोग लाइव, जितने भी यूट्यूबर हैं, वो लाइव सेशन में अगर आते हैं तो उनके पास दो दो फोन होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक फ़ोन से क्वेश्चन पढ़ते हैं और दूसरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यानी जवाब देते हैं। पर मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वह एक ही फ़ोन है, और इसलिए मैंने आपके सवाल अभी सुबह कुछ देर पहले नोट करे हुए हैं कॉपी में, तो मैं यहीं से पढ़ के आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले राहुल सिंह कहते हैं कि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे पूछे थे। तो राहुल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपका सवाल पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मैं आपको ये कहूंगी कि वर्तमान में मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूट्यूब के अनेक पहलुओं के संबंध में मेरे पर पर्याप्त जानकारी का अभाव है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं जो चीज़ मैं स्वयं नहीं जानती वो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। आपने मुझसे कुछ ऐसे टफ सवाल पूछे हुए थे, मैं क्या करती हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई थी, आपने मुझसे ऐसे भी सवाल पूछे थे जो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं क्या करती हूँ, वीडियो ऑन करती हूँ, एडिट करती हूँ, यूट्यूब पे डाल देती हूँ। इसके अलावा मैं, आपने कुछ भी देखा होगा कि मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती है। तो आपने मुझसे बहुत टफ सवाल पूछे थे, लेकिन मैं आपको उसके लिए कह सकती हूँ कि मैंने जितनी भी सारी चीज़ें सीखी है मैंने स्वयं यूट्यूब से सीखी है। आपको जो भी चीज़ सीखना है या करना है आप यूट्यूब पर डालिए, और आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे वास्तव में बहुत
पर्याप्त जानकारी यूट्यूब के बारे में नहीं है, तो माफ़ कीजिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूँ, लेकिन माफ़ कीजिए कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब ही नहीं था। अब आगे विकास चंद्र कहते हैं कि अपने बारे में बताओ, आपकी उम्र, गांव, यूट्यूब व्लॉग बनाने की इंस्पिरेशन आपको किसको देख के मिली? तो विकास जी, इंस्पिरेशन तो मुझे किसी को देख के नहीं मिली। हमेशा से मुझे ऐसा काम करना था जिससे मुझे लोगों से जुड़ने का मौका मिले। हमेशा मुझे सामाजिक होना ज़्यादा पसंद था, तो ये व्लॉगिंग माध्यम मुझे सबसे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने यही रास्ता चुना। और मेरी उम्र है 23 साल, और मेरा गांव, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि मेरा गांव रुद्रप्रयाग में है, रतूड़ा गांव। अरविंद नयार जी कहते हैं कि व्हाट इज़ योर एम, टीचिंग और व्लॉगिंग? एम अभी मैंने इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है कि व्लॉगिंग, टीचिंग तो है ही मेरा, मैंने सोचा हुआ है भविष्य में करने का, लेकिन व्लॉगिंग का मैंने उतना सोचा नहीं है कि अभी हमको कष्ट आने शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ वीडियो डाली और ये वो, परेशानियाँ अभी शुरू नहीं हुई है, तो देखूंगी कि भविष्य में क्या होता है। और चलिए फिर, वेदिका सिंहवाल कहती हैं कि आप शादी कब कर रही हैं? शादी करने के लिए सुयोग्य वर की आवश्यकता है, तो कृपया कोशिश कीजिएगा बहुत बढ़िया लड़का ढूंढने की। ऐसा है कि घर वाले जब देखेंगे तब शादी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राहुल सिंह कहते हैं, आर यू सिंगल? ऑफ कोर्स आई एम सिंगल। एक सवाल मुझसे पूछा है, बहुत अजीब सा नाम था और मैं पढ़ भी नहीं पाई उस नाम को, लेकिन सवाल भी उनका इतना ही अजीब है कि क्या आपने कभी सिगरेट पी है? तो आप जो भी हैं, आप अपना जवाब सुन लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि वयस्कता का मानक है कि आप ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करें। और मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही सामाजिक, पारिवारिक या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, और ऐसी चीज़ों ने मुझ पर अपना प्रभाव कभी नहीं दिखाया, और मुझे लगता है कि ना ही भविष्य में कभी दिखाएगा, क्योंकि ये मेरे मूलभूत मूल्यों के अनुकूल नहीं है। और बस इतना ही है, और ये नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि वयस्क होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ों के चक्कर में पड़ें। सूर्या सिंह कहते हैं कि क्या कभी परिवार के लोग यूट्यूब के लिए मना करते हैं? जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, शुरुआत में करते थे कभी कभी, जब मैंने बोला कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि, पिताजी कहते थे कि पढ़ाई कब कर रहे हैं, जब तुम दिन रात, मतलब वो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखते थे और कहते थे कि मैं जब कॉलेज में रहती थी वहाँ, तो कहते थे कि ये पढ़ाई कब कर रहे हो तुम, जब तुम दिन रात वीडियो बना रहे हो। ऐसा मना नहीं किया, लेकिन बोला कि पढ़ाई के लिए आपको एक अलग से समय देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी जब आपको परिवार की तरफ से भविष्य के लिए के भावनात्मक दबाव पड़ता है कि भविष्य में क्या होगा, पढ़ाई लिखाई ये सब, तो कभी कभी लगता है, वरना ऐसे प्रॉपर मना कोई नहीं करता है। मेरे परिवार के लोग, विशेषकर मेरी माता जी, हमेशा कहती हैं कि हमेशा अभद्र चीज़ों को करने से बचना है, बाकी सब चीज़ सही है, आप सही कर रहे हो। अब कहते हैं, ग्रीस सिंह कहते हैं, हाय मोनिका, 2 questions फॉर यू। पहला, यदि तुम भविष्य में बहुत फेमस हो गई तो तुमने यूट्यूब ब्लॉग के अतिरिक्त किन सोशल वर्क या सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहोगी? और दूसरा है, हु इज़ द मोस्ट फनी एंड इनोसेंट पर्सन यू हैव मेट इन योर लाइफ? ग्रीस सिंह ने ये 2 सवाल पूछे हैं, उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली और मैं चाहती थी कोई ऐसा सवाल पूछे। तो 2 सामाजिक मुद्दे हमेशा से मेरे दिमाग में रहे हैं कि कभी मेरे को बहुत अच्छा मौका मिल गया भविष्य में कुछ करने का, तो महिलाओं की स्थिति को लेके, एक तो पहला मेरा ये है कि महिलाओं की स्थिति को लेके, महिला सुरक्षा या फिर महिलाओं के कार्य को अहमियत देना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए मैं काम करूँगी। जैसे कई बार होता है कि जैसे कोई कृषि परिवार होता है, उस वहाँ पे माता और पिता दोनों काम करते हैं, लेकिन जब बच्चा कोई फॉर्म भरता है तो फॉर्म भरते हुए पूछते हैं कि पिता क्या है, यानी कि उसमें महिलाओं का हिस्सा क्यों नहीं है, बावजूद इसके कि महिलाओं का उसमें पूरा योगदान है, पूरे घर के कार्य में पूरा योगदान है। GDP में महिलाओं के कार्य को ऐड नहीं किया जाता है, महिलाओं के घरेलू कार्य को। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के कई तरह के कार्यों को लेकर, महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने के मामले में मैं कार्य करूँगी। और दूसरा, भाषा को लेकर मैं कार्य करूँगी, हिंदी भाषा को महत्व दिलाने के लिए समाज में कार्य करूँगी मैं, कि क्योंकि अब हिंदी लोगों ने अपने एक प्रचलन सा बना लिया है कि यदि 2 लोग एक हिंदी बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, तो जिसने इंग्लिश बोल ली, वाह वाह, ये बहुत, इसको बहुत नॉलेज है। ये नहीं लोग सोचते हैं कि ये भी तो एक भाषा ही है, 2 लोग अपनी अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। और मैं हिंदी भाषा को महत्व दिलाने के लिए भविष्य में कार्य करूँगी, और
बस दो ही ये चीज़ है मेरे, अगर मैंने सोचा हो कि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इन दो चीज़ों पे कार्य करूँगी। भाषा मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि यदि आप हिंदी भाषा को महत्व तो नहीं दोगे या फिर आप हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोलोगे तो आप कहाँ बोलोगे, तो इन दोनों को लेकर मैं भविष्य में कार्य करूँगी। और गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे ये सवाल पूछने के लिए। दूसरा है कि हु इज़ द मोस्ट फनी एंड इनोसेंट पर्सन यू हैव मेट इन योर लाइफ। आप ही के नाम का एक पुरुष है हमारी कक्षा में, बीएड में हमारे साथ पढ़ता है गिरीश। मैंने कोई व्यक्ति होता है ना कि सर्वगुण संपन्न, उसमें सारे गुण होते हैं, वो दिखने के लिए भी अच्छा होता है, वो पढ़ने के लिए भी, वो दूसरों को खुशी दिलाने के लिए भी, मजाक करने के लिए भी, हर चीज़ में होता है और वो इंसान बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारी क्लास में एक गिरीश है तो मैंने उसके जैसा कोई आज तक देखा नहीं है। बहुत इनोसेंट भी है, बहुत अच्छा भी है, सबको हंसाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, कार्य में मदद करने के लिए भी, दोस्ती निभाने के लिए भी, उसमें सारे गुण हैं। तो बस मैं उसी से मिली हूँ ऐसे। और ये हैं आपके दोनों सवालों के जवाब, उम्मीद है कि आप संतुष्ट हुए होंगे। फिर कोई कहता है व्हाट आर योर मेन मोटिव्स बिहाइंड क्रिएटिंग दीज व्लॉग्स। तो मैं कहना चाहूँगी कि मौजूदा हालात और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए सबसे ज़्यादा मेरा ब्लॉग के माध्यम से लोगों से जुड़ना और सामाजिक होना है। लेकिन बाद में दशा और दिशा को देखने के बाद मैं संकल्प करूँगी कि मुझे ब्लॉगिंग के माध्यम से क्या करना है या फिर करना है या नहीं करना है। लेकिन मैं इसके पक्ष में आशावादी हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। कोई मुझसे पूछता है आप हमेशा से पढ़ाई में कैसी रही हैं। जी मैं पढ़ाई में न ज़्यादा न कम, बस एवरेज रही हूँ। लेकिन पढ़ना आपको ऐसा हमेशा से मैं इस चीज़ को देख के पढ़ती हूँ कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाओ, मेरे घर परिवार से भी लोग हमेशा मुझे यही कहते हैं, मेरे माता जी पिताजी, कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी आपको किसी चीज़ की होनी चाहिए। और वरना मेरी व्यक्तिगत रुचि का कोई विषय नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ती हूँ क्योंकि थोड़ा सा परिवार में इज्जत, समाज में इज्जत, या फिर कॉलेज में लोग क्या कहेंगे, स्कूल में लोग क्या कहेंगे, इसलिए भी पढ़ना पड़ता है। वरना पढ़ाई लिखाई मेरी, मैंने बताया जैसे कि मेरा व्यक्तिगत रुचि का कोई विषय नहीं है। इसके बाद कहते हैं उनका नाम है नैनीताल ब्लॉगर, वो कहते हैं शेयर योर थॉट्स अबाउट रिलेशनशिप विच इज़ बेटर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। जी मैं इस पर कहना चाहूँगी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, आपका रिश्ता कौन अरेंज करता है, आपके परिवार वाले करते हैं या आप स्वयं अरेंज करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा व्यक्तिगत मत अगर आप जानना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अरेंज कर रहे हैं, आपके परिवार वाले या फिर आप। इंटरकास्ट मैरिज होती है तो इसमें बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि परिवार वाले मानते नहीं हैं। तो आप कुछ भी करें लेकिन आप जोर ज़बरदस्ती के रिश्तों से हमेशा बचें, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है, चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, एक समय के बाद सब समान हो जाता है, सब रिश्ते एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति को परिवार में या समाज में इज्जत चाहिए होती है, सम्मान चाहिए होता है कि दो लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें। तो यदि आपका रिश्ता ज़ोर ज़बरदस्ती से हुआ है तो शायद आपको वो सम्मान या इज्जत परिवार में ना मिले। वैसे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन समाज की वर्तमान स्थिति ऐसी ही है और आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है। तो इसलिए आप जो भी करें, आपका रिश्ता जो भी अरेंज करें, आप हमेशा जोर जबरदस्ती के रिश्तों से बचें। ठीक है दोस्तों, हो चुकी है सवालों की श्रृंखला ख़त्म। और मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर आप में से किसी के, मुझे तो वैसे लगता है कि मैंने सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी कोई व्यक्ति संतुष्ट ना हो तो आप मुझे आगे से पूछ लेना, अभी तो शुरुआत है मेरे यूट्यूब पे, और देते रहेंगे, करते रहेंगे आगे सवाल जवाब। और बहुत बहुत सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट मुझे हमेशा मिलते हैं, उनमें से दो तीन औरतें हैं, दो तीन पुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट हमेशा रहते हैं और बहुत लंबे लंबे। आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप किसी को इतनी बिजी भरी ज़िंदगी में आप किसी को इतना समय देते हैं। कहते हैं ना कि सामने वाला अच्छा नहीं होता, आपकी आंखें अच्छी होती हैं। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा कह रहे हैं इस ऐसी दुनिया में, अगर आप किसी के लिए दो शब्द अच्छा बोल दे रहे हैं तो वो सामने वाला अच्छा नहीं है। अच्छी हैं आपकी आंखें, अच्छे हैं आप जो आप सामने वाले को इतनी अच्छी नज़रों से देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इतना समय देने के लिए। जितने भी आपने मैंने आपसे कहा था कि सवाल पूछिए और आपने मेरा सम्मान किया,
इतने सारे सवाल पूछे, और मैं कोशिश करूँगी कि समय समय पे वीडियो लाते रहूँ, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल बहुत कम समय था, क्योंकि हमारे घर में कुछ काम है ज़रूरी, और वो तो बारिश थी, तो मुझे थोड़ा मौका मिल गया कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग गई होंगी, तो मैंने बहुत सोच समझ के कोई बात नहीं बोली, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, अभी एक घंटे पहले ही मैंने आपके सवाल सबके नोट करे हैं, तो कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। और कोई चीज़, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ कल तक जब मैं सोच रही थी कि मैं जवाब दूंगी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि मैं आपके इस तरह से आपको सवालों के जवाब दूंगी, इसको ये बात बोलूंगी, लेकिन अचानक से ये सब चीज़ हो गई कि मुझे जवाब देना ही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आप कहाँ गई, आपने बोला था कि हम जवाब देंगे, आप आई नहीं। उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें इतना याद है कि मैंने कहा था कि मैं जवाब देने आऊँगी, लेकिन अभी मुझे 2 मिनट पहले ही ऐसा, मतलब 1 घंटे पहले ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि लोगों को जवाब चाहिए, तो मैंने जल्दी से वीडियो बनाने की सोची। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई होगी, कुछ भी बात ऐसी हो गई होगी जो गलत है आपको लगती होगी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और आपने मुझसे ऐसे भी सवाल पूछे हुए थे जिसकी मैं लायक भी नहीं हूँ कि ऐसे जवाब दूँ, तो फिर भी मैंने कोशिश की है जवाब देने की, और बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और बारिश आ रही है, आप इन्जॉय कीजिए, ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द।